हेलो गाइस, आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं मटन स्टू की रेसिपी। ये बावर्ची से हम सीखेंगे यूपी स्टाइल मटन स्टू। आप इसको एक बार घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। हमने ये 15 kg मटन लिया है, इसमें 25 से 30 ग्राम हमने हल्दी डाली है। ऑयल जो हमने पहले ही डाल दिया था, 4 लीटर ऑयल था इसमें। 10 से 15 हरी इलायची जाएंगी। नमक जो है वो टेस्ट के अकॉर्डिंग जाएगा। उसके बाद हमने पीली मिर्चें, उसे हमने साबुत थी हमने कूट ली थी, ये हम 50 से 70 ग्राम डालेंगे। उसके बाद हमारे पास साबुत धनिया था, उसे भी हमने कूट लिया था। 30 से 35 ग्राम हमारा साबुत धनिया जाएगा। और पीली मिर्चें आपके पास अगर साबुत ना हो तो आप पीसी भी डाल सकते हैं। उसके बाद हम 1 लीटर इसमें पानी ऐड करेंगे। और ये हमारे पास टमाटर का पेस्ट है, 2 kg जो हमारी ऑनियन है और 1.5 kg टमाटर थे जिसे हमने पेस्ट बना लिया। उसके बाद हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे 100 ग्राम। और डालने के बाद हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। हमने चूल्हे पे पहले ही रख दिया है, आग हमारी जल रही है नीचे। हमें जो है इसे अच्छे से मिक्स करना है। सारी चीज़ें डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करके पकाएंगे। हमें इसे पकाना है अच्छे से, जब तक हमारा गोश्त जो है अच्छे से नहीं गल जाता। हमें इसे अच्छे से पकाना है, हमारा जो है मटन अच्छे से गलना चाहिए, जब भी इसका टेस्ट जो है बहुत ज़बरदस्त आएगा। उसके बाद हम इसमें 4 kg हमने दही लिया था, हमने उसे जो है फेंट लिया था दही को, वो हमने मिक्स करा इसमें। और इसे अच्छे से मिक्स करना दही डालने के बाद। देखिए कितना अच्छे से हमारा जो है ये स्टू पक रहा है। और दिल्ली के और यूपी स्टाइल में अलग अलग तरीका अपनाया गया है बनाने का। उसके बाद हम इसमें जो है नारियल का बारूदा ऐड करेंगे 250 ग्राम। और हमने इसमें और मिर्चें ऐड करी, पीली मिर्चें और ऐड करी, क्योंकि मिर्च हल्की थी। आप टेस्ट कर लेना, आप अपने अकॉर्डिंग डालना। ये देखिए हमारे बावर्ची साहब, मौजन साहब, जो ये हमें रेसिपी बता रहे हैं। ये अमरोहा के बाबरची हैं, वहाँ के अमरोहा के। इनकी पहले भी वीडियो मैंने डाल दी है कोरमे की, अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं आप। ये देखिए ये मटन जो है बहुत अच्छे से पक गया है, ऑयल भी सेपरेट हो गया इसका। ये खाने में भी बहुत ज़बरदस्त होता है, आप इसे एक बार घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारे जो बावर्ची साहब हैं उन्हें तकरीबन 20 साल का एक्सपीरियंस है इसमें। और अब हम इसे एक बार चेक कर लेंगे चलाकर कि हमारा मटन जो है वो गल गया है। ये हमारा तैयार हो गया है स्टू। ऊपर से हम गार्निश के लिए 50 ग्राम काजू हमने इसमें डाले हैं, 50 ग्राम। और उसके बाद हम इसमें 40 से 50 ग्राम मखाने डालेंगे। 10 से 12 जो है हम इसमें तेज पत्ता, हम लाल मिर्च डालेंगे, वो भी हमें 10 से 12 डालनी है। हरी मिर्च भी 10 से 12 हम इसमें ऊपर से डालेंगे गार्निश के लिए। और उसके बाद हम इसमें यूपी स्टाइल में हम जो है गरम मसाला ऊपर से डालते हैं, साबुत गरम मसाला है, 20 से 30 ग्राम के करीब है ये। और अब हम इसे कम से कम 5 से 7 मिनट मिक्स करने के बाद इसे थोड़ा पकाएंगे। 5 से 7 मिनट हमने चूल्हे से उतार कर इसे दम पे लगा दिया था, दम पर पका रहे हैं हम इसे। इसके नीचे थोड़े कोयले हैं, पर से हम अदरक के लच्छे डाल देंगे। ये हमारा रेडी है मटन स्टू। इसको आप एक बार घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट करके बताना कैसी लगी वीडियो, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।